हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। लास्ट ट्यूटोरियल में हमने आपको डेव सी प्लस प्लस स्टार्टिंग से लेके एंडिंग तक कंप्लीट इंस्टॉलेशन प्रोसेस सिखाया था। इस ट्यूटोरियल में मैं आपको डेव सी प्लस प्लस में एक प्रोग्रामिंग कैसे की जाती है और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का बेसिक स्ट्रक्चर क्या होता है। किसी भी प्रोग्राम को लिखने से पहले उसका प्रोग्रामिंग स्ट्रक्चर आपको आना चाहिए, सिंटैक्स आना चाहिए, ताकि आप उस प्रोग्राम को लिख सकें। बेसिकली हमारे पास प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो है वो दो तरह की होती है, एक हाई लेवल लैंग्वेज और एक लो लेवल लैंग्वेज। लो लेवल लैंग्वेज जो होती है वो जीरोज़ और वंस की फॉर्म में होती है, ये कंप्यूटर अंडरस्टैंडेबल होती है, इसको ह्यूमंस जो हैं वो अंडरस्टैंड नहीं कर सकते। और जो ह्यूमन अंडरस्टैंडेबल होती हैं, मतलब हाई लेवल लैंग्वेज, वो किस किस तरह की होती है, जैसे सी प्लस प्लस, जावा, पाइथन, एच टी एम एल, कोटलिन एट्सेट्रा, ये सब हैं हमारे पास हाई लेवल लैंग्वेज। अब हम आगे पढ़ने जा रहे हैं सी प्लस प्लस, और सी प्लस प्लस प्रोग्राम करते हुए हमें किन चीज़ों का एहतियात, किन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए, वो है एनालिसिस, प्रोग्राम और कंपाइल और रन। सबसे पहले हम एनालाइज करेंगे अपने प्रोजेक्ट को और उसकी कि वो किस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में बनेगा। जैसे हम कोई मोबाइल एप्लीकेशन बनाने जा रहे हैं तो वो जावा या कोटलिन लैंग्वेज में बनेगी, तो उसका हमें नॉलेज होना चाहिए कि जो भी हम प्रोजेक्ट, जिस किस्म का हमें अगर कोई वेबसाइट बनाने जा रहे हैं तो वो HTML में बनेगी। ये सब जो नॉलेज है इसको आपने पहले एनालाइज करना है कि जो भी हमें प्रोजेक्ट दिया गया है उसको हम किस तरह से सॉल्व करेंगे। फिर आता है प्रोग्राम करना, मीन्स कि अब आप उस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को स्पेसिफिक करके उसके अंदर प्रोग्राम लिखना स्टार्ट करेंगे और हमारी जो रिक्वायरमेंट्स होंगी उसके मुताबिक हम अपने कोड को लिखेंगे। फिर आता है हमारे पास कंपाइलिंग, जो भी हमने प्रोग्रामिंग लैंग्वेज लिखी है वो अब कंप्यूटर को तो अंडरस्टैंड नहीं हो रही, उसके लिए हमें ट्रांसलेटर ज़रूरत की ज़रूरत पड़ती है। ट्रांसलेटर्स जो हैं वो लो लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है ताकि कंप्यूटर अंडरस्टैंड कर सके, और फिर जो ट्रांसलेटर है वो लो लेवल लैंग्वेज को हाई लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है ताकि कंप्यूटर से ह्यूमन अंडरस्टैंड कर सके। और उसके बाद वो हमें बताता है, कंप्यूटर बताता है कि हमारे पास बग्स, एरर्स और क्रैशेस कितने आए हैं, और वो इस तरह से बताएगा जैसे हमारा 50 लाइंस ऑफ कोड है तो 45 लाइन पर कोई एरर आ रहा है या कोई बग आ रहा है, कोई वार्निंग आ रही है, वो डिस्प्ले करेगा। जब हमारे पास बग्स और एरर्स सब फ्री हो जाएंगे, सब ख़त्म कर देंगे, इसे कहते हैं डीबग प्रोसेस। फाइंड करना और रिमूव करने को एरर को कहते हैं फाइंडिंग एंड रिमूविंग एरर प्रोसेस इज कॉल्ड डीबगिंग। जब हम हमारा कोड जो है वो एरर फ्री हो जाएगा तो हम अपने प्रोग्राम को जब रन करेंगे तो हमारा जो प्रोग्राम है वो हमारा स्पेसिफिक टास्क परफॉर्म करेगा। और इस सब प्रोसेस के लिए हमें ये चार चीज़ें ज़रूरी हैं, एनालाइज करना, प्रोग्राम करना, कंपाइल करना और रन करना। अब मैं आपको सिखाने जा रहा हूँ कि हमारा C++ के प्रोग्राम का बेसिक स्ट्रक्चर क्या होगा। C++ के बेसिक स्ट्रक्चर में हमारे पास तीन स्टेप्स आते हैं, नंबर वन हेडर फाइल, नंबर टू मेन कॉलिंग और नंबर थ्री पे मेन प्रोग्राम। मेन हेडर फाइल और मेन कॉलिंग जो है इसको हम C++ के जो स्ट्रक्चर का हेड कहते हैं और मेन प्रोग्राम को हम बॉडी कहते हैं। जैसे एक आम ह्यूमन का हेड होता है और साथ उसकी बॉडी होती है, उसी तरह हमारे पास हेड में हेडर फाइल आती है जो कि लाइब्रेरी से ली जाती है, इसको प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव भी कहते हैं। जैसे कि हम C++ में यूज़ करने वाले हैं हैश इंक्लूड iostream.h, .h जो है वो हेडर फाइल है और iostream जो है वो एक लाइब्रेरी है जहां से हमारा ये प्रोग्राम का स्ट्रक्चर उठाया जाएगा। सेकंड आता है इसका इंट मेन। इंट मेन हमारा प्रोग्राम का लाजमी हिस्सा है और ये शो करता है कि हमारा जो प्रोग्राम है यहाँ से स्टार्ट होगा, और ये हर C++ प्रोग्राम में ये लाजमी आएगा। नंबर फोर पे, थ्री पे आता है हमारे पास मेन बॉडी। मेन बॉडी के अंदर हमारी कोड लिखा जाएगा और वो भी ब्रेसिस, कर्ली ब्रेसिस के अंदर, और नीचे एग्जांपल दी गई है। और उसके बाद हमारा जो आउटपुट है वो किस तरह से आएगा, इस तरह से हमारा कोड लिखा जाएगा, हैश इंक्लूड फर्स्ट स्टेप, सेकेंड स्टेप इंट मेन, एंड थर्ड स्टेप ब्रेसिस लगा कर उसके अंदर हमारे जो प्रोग्राम है वो लिखा जाएगा। जैसे यहाँ पर सी आउट माई नेम इज़ प्रोग्राम लिखा गया और इसका हमें आउटपुट क्या मिलेगा, माई नेम इज़ प्रोग्राम। अब हम ये अपनी कंप्यूटर की स्क्रीन पर डेव C++ में प्रोग्राम, सेम यही प्रोग्राम सॉल्व करेंगे और उसको आपको आउटपुट करके दिखाएंगे।
गाइज अब हम अपने कंप्यूटर की स्क्रीन पर पहुंच चुके हैं। अब हम यहाँ पर अपना प्रोग्राम जो है वो स्ट्रक्चर के मुताबिक लिखना स्टार्ट करने जा रहे हैं। इसका हमने फर्स्ट स्टेप देखा था हेडर फाइल को इंक्लूड करवाना, तो अब हम यहाँ पर इंक्लूड करवाने जा रहे हैं हेडर फाइल को, और वो है हमारे पास आईओ स्ट्रीम। और इसका ये सिंटेक्स हैश, और फिर उसके बाद इंक्लूड लिखा जाता है कि हमने इसको इंक्लूड करना है। और ये हमारे पास स्मॉल ब्रैकेट और ग्रेटर देन ब्रैकेट के अंदर आईओ स्ट्रीम लिखा जाता है। उसके बाद हम लिखेंगे इंट मेन कि हम अपना जो प्रोग्राम है वो यहाँ से स्टार्ट करने जा रहे हैं, और फिर हम ब्रेसेस लगाएंगे। ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि हमारा जो प्रोग्राम है इसके अंदर जितना भी डाटा लिखा जाएगा वो हमारा एग्जीक्यूट किया जाएगा। जैसे कि हमारा किसी भी चीज़ को प्रिंट आउट करवाने का एक सिंटेक्स है STD कोलन कोलन सी आउट, और फिर दो स्मॉल ब्रैकेट्स, और फिर आगे ये स्ट्रिंग का साइन लगाते हैं। और यहाँ पर हम कुछ भी लिखते हैं, माई नेम इज़ प्रोग्राम, और इसके बाद सेमी कोलन। ये रिप्रेजेंट कर रहा है हमारा सिंटेक्स के माई नेम इज़ प्रोग्राम जो है वो हमारी आउटपुट स्क्रीन पर डिस्प्ले होगा। डिस्प्ले करवाने का STD सी आउट, ये एक सिंटेक्स है। यहाँ से हम अगर इसको प्रेस करते हैं तो हमारा वो कहेगा कि इस प्रोग्राम का नाम क्या है, फर्स्ट प्रोजेक्ट, इसको हम नाम दे देते हैं। सेव कर लिया। अब हमारा ये जो प्रोग्राम है ये कंपाइल हो रहा है। यहाँ पर हमारे पास ज़ीरो एरर और ज़ीरो वार्निंग आ रही है। अब हमें पता कैसे चलेगा कि हमारे पास एरर कैसे आया है? जैसे अगर हम यहाँ पर STD और ये कोलन कोलन को रिमूव कर देते हैं, तो हम इसको दोबारा कंपाइल करते हैं तो ये देखिए हमारे पास लाइन 5 पर फोर्थ करेक्टर पर हमारे पास जो है इस प्रोजेक्ट में एरर आ रहा है, सी आउट वॉज नॉट डिक्लेयर इन दिस स्कोप। सी आउट जो है इसका मतलब कि हमारे पास जो डिस्प्ले करवाने का सिंटेक्स है वो प्रॉपर नहीं है, इसलिए हम यहाँ पर STD कोलन कोलन लिखते जाएंगे तो ये हमारा जो एरर है वो रिमूव हो जाएगा। यहाँ पर उसने हमें एक लाइब्रेरी से फंक्शन उठा के दिया है कि इसके पहले हमें STD और कोलन कोलन लगाना पड़ेगा ताकि हमारा जो प्रोग्राम है उसका सिंटेक्स बकायदा हो जाए। अब हम इसको कंपाइल करते हैं तो ये देखें हमारे पास ज़ीरो एरर और ज़ीरो वार्निंग हो चुकी है। अब हम इसको करने जा रहे हैं रन। रन करने पे अब देखते हैं हमारे पास क्या आंसर आता है। ये हमारे पास डिस्प्ले जो हुआ है ये है माई नेम इज़ प्रोग्राम। हमने यहाँ पर जो कुछ लिखा था वो हमारे पास डिस्प्ले हो चुका है, और ये हमारा प्रोग्राम के मुताबिक बिल्कुल फिट चल रहा है। अगर हम यहाँ पर थोड़ी बहुत चेंजेस करते हैं कि जॉब्स कोड्रेक्स चैनल, तो हमारे पास इसको रन करने पे वही चीज़ आएगी जो हमने उस स्ट्रिंग में लिखा हुआ है, माई नेम इज़ प्रोग्राम जॉब्स कोड्रेक्स चैनल। तो गाइस थैंक्स फॉर वाचिंग आवर दिस ट्यूटोरियल। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो हमारा चैनल सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और कमेंट करें। अगर आपको किसी चीज़ की कन्फ्यूजन है तो क्लिक ऑन द बेल आइकन ताकि आपको आने वाली C++ की तमाम वीडियो से आगाही मिल सके, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको आने वाली मुख्तलिफ लैंग्वेजेस पर ग्रिप हासिल करवाएं। जैसे आगे मैं कुछ ट्यूटोरियल्स लेके आऊँगा एंड्रॉयड स्टूडियो के आप मोबाइल एप्लीकेशन डेवलपमेंट कर सकते हैं, HTML के CSS और JavaScript लेके आऊँगा ताकि आप वेब डेवलपमेंट कर सकें, और मैं आपको प्रैक्टिकल लाइफ में उसको कैसे इस्तेमाल करते हैं और उसके ज़रिए से आप कैसे अर्निंग कर सकते हैं वो भी आपको बस सिखाऊंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।